नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टारगेट स्कूल चोमू ऑनलाइन क्लास को लेकर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो स्टडी को लेकर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। आपसे आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेलकन आईडी है उसको भी दबाएं ताकि आपके पास में हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास आएं। अब समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आज हमने बताया मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इसमें हमने टॉपिक लिए पहले वाले, जैसे मांग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद में हमने बताया मांग का अर्थ, और इसके बाद में अपना जो टॉपिक चलेगा वो है मांग अनुसूची। इस टॉपिक की चर्चा करेंगे मांग अनुसूची। अगर आपको मांग अनुसूची ज्ञात है दोस्तों, तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके अर्थ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो अक्षर हटाने हैं। और वो कौन से हटाने हैं जब हम बोलें तब आप अपने दिमाग में रखिएगा। हमने बताया कि मांग अनुसूची, अब मांग अनुसूची किसे कहते हैं ये देखिएगा। एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, विभिन्न मूल्य 10, 20, 30, 40, 50, तो हमने बताया एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका, सारणी या अनुसूची के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं मांग अनुसूची किसे कहते हैं, और मांग अनुसूची की जो ये सारणी है वो सारणी भी देखिएगा। दोबारा बता रहे हैं मांग अनुसूची किसे कहते हैं। एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब सारणी, तालिका या अनुसूची के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। अनुसूची का मतलब मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, अनुसूची का मतलब होता है तालिका, सारणी जो आपके सामने बनी हुई है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें तो ये मांग अनुसूची के प्रकार, मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। यानी चर्चा चल रही है अनुसूची की। तो अनुसूचियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। तो हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। व्यक्तिगत इसका मतलब है एक पर्सनल व्यक्ति आ गया। अब वो पर्सनल व्यक्ति राम, श्याम, मोहन कुछ भी हो सकता है, यानी ए व्यक्ति की मांग, यानी किसी भी ए पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की मांग, तो हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहेंगे। इसमें हमने बताया था, मांग अनुसूची में हमने बताया था, नोट कीजिएगा, फिर इसमें बताएंगे, फिर इसमें बताएंगे, यानी एक एक शब्द का अंतर है और कुछ भी नहीं है। मांग अनुसूची में हमने बताया एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। अब चर्चा करेंगे बच्चों मांग अनुसूची के प्रकार। मांग अनुसूची दो प्रकार की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाएंगे हम। व्यक्तिगत मांग इसकी इसका मतलब है भाई पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की मांग। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची हम बताएंगे एक निश्चित समय में, वही जैसे इसमें पढ़ा था ना हमने वैसे ही इसमें पढ़ेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की मांग आएगी और उस व्यक्ति विशेष की मांग को अगर हम सारणी के रूप में दर्शाएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। तो चर्चा करें एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, एक
व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा एक यानी ए व्यक्ति यानी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। ये तो मांग अनुसूची की सारणी आ गई, ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची की सारणी आ गई। तो हमने बताया एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका सारणी या अनुसूची के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। जैसे हमने बताया ए व्यक्ति की मांग, अगर व्यक्तिगत मांग अनुसूची अगर वस्तु की कीमत 25 है तो ए व्यक्ति उसकी कितनी वस्तुओं की मांग कर रहा है, 1000 वस्तुओं की मांग कर रहा है। इसी प्रकार अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है 50 तो उसकी मांग घटकर 1000 से 750 हो जाती है। ये हम आपको मांग के नियम में बताएंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्यों घटती है। यस, अब चर्चा करें, दोबारा बता रहा हूँ, व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक निश्चित समय में, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। दूसरी है इसकी बाजार मांग अनुसूची। अब बाजार मांग अनुसूची में भी वही आएगा, बाजार का मतलब क्या होता है, बाजार का मतलब होता है मार्केट में जो भी वस्तुएं बिकी है उन सब का योग, और उन सब के योग को जब हम किसके रूप में उतार दें, एक सारणी के रूप में उतार दें, एक तालिका के रूप में उतार दें, एक अनुसूची के रूप में उतार दें तो वो कहलाएगी बाजार मांग अनुसूची। यानी बाजार मांग का मतलब होता है भाई बाजार में जो भी वस्तुएं बिकी है। अनुसूची का मतलब क्या होता है, तालिका सारणी। तो बाजार में जो भी वस्तुएं बिकी है उन सब के योग को अगर हम किसके रूप में उतार दें, एक सारणी के रूप में उतार दें, एक तालिका के रूप में उतार दें तो वो बाजार मांग अनुसूची कहलाएगी। दोबारा बता रहे हैं बाजार मांग अनुसूची, इसका अर्थ देखिएगा, और इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि बाजार मांग अनुसूची ज्ञात कीजिए। आपको मांग दी हुई होगी, जैसे ए व्यक्ति की मांग हो, बी व्यक्ति की मांग हो, इधर लिख भी सकता है राम की मांग ये है, श्याम की मांग ये है, तो बाजार मांग अनुसूची ज्ञात कीजिए। तो बाजार मांग अनुसूची का मैं अर्थ बता रहा हूँ, इसका अर्थ तो देखिए मैंने बताया, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है, तालिका के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। अब आ जाओ भाई बाजार मांग अनुसूची किसे कहेंगे, तो बाजार मांग अनुसूची हम कहेंगे कि एक निश्चित समय में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा, इसमें सिर्फ व्यक्तिगत और इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं। तो हमने बताया एक निश्चित समय में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा, एक निश्चित समय में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के योग को, किसको, मांग मात्रा के योग को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के योग को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, बाजार मांग अनुसूची एक निश्चित समय में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा, सभी व्यक्तिगत उपभोक्ता, ए व्यक्ति की मांग, बी व्यक्ति की मांग, सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के
योग को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 नंबर का आ चुका है, इसलिए आप इसको याद रखें। बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं, दोबारा बता रहे हैं, बाजार मांग अनुसूची कैसे निकालते हैं, जैसे वस्तु की कीमत दी हुई होगी, ए व्यक्ति की मांग दी हुई होगी, ए व्यक्ति की जगह नाम भी लिख सकता है वो राम की मांग, बी व्यक्ति की मांग भी लिख सकता है, इसके बाद में अगर सी व्यक्ति की भी मांग हो तो जो भी पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति विशेष की मांग है उन सबको अपने को योग करना है और योग करने के बाद में उसे एक सारणी के रूप में उतारना है तो वो प्राप्त हो जाएगी बाजार मांग अनुसूची। जैसे ए व्यक्ति की मांग थी 1000, बी व्यक्ति की मांग थी 1100, तो दोनों को जोड़कर बाजार मांग अनुसूची कितनी हुई 2100। इसी प्रकार 750 और 900 को जोड़ा 1650, 500 और 700 को जोड़ा 1200, 250 और 500 को जोड़ा 750। इस प्रकार ये क्या हो गई, बाजार मांग अनुसूची प्राप्त हुई अपने को। अब दोबारा हम आपको रिकेप की ओर लेके चलते हैं। आज हमने जो इस टॉपिक के बारे में बताया, सबसे पहले हमने बताया कि मांग के प्रमुख तत्व क्या हैं, आपको दोबारा बता देते हैं। मांग के प्रमुख तत्व वैसे 5 होते हैं। पहला है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी जब तक आपके पास में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं है तो उसे हम वस्तु की मांग नहीं कहेंगे। दूसरी चीज है किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में पर्याप्त धन होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो बताई हमने वस्तु खरीदने की इच्छा, दूसरी चीज़ बताई उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास में पर्याप्त धन होना चाहिए। तीसरी चीज़ है इसमें वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास में धन खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा निश्चित कीमत और निश्चित समय बताया। इसके बाद में हमने बताया भाई मांग का अर्थ, भाई मांग का अर्थ हम दोबारा बता रहे हैं, हालांकि पहले वाली वीडियो में हम बता चुके थे, रिकेप बता रहा हूँ। एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, एक निश्चित समय में वस्तु की दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदने को तैयार होता है उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। इसके बाद में हमने बताया कि मांग अनुसूची, मांग अनुसूची ये रही मांग अनुसूची। मांग अनुसूची के प्रकार हमने 2 बताए, एक बार फिर हम बता रहे हैं, आप तीनों को सनसनी नज़र से देख लीजिएगा क्योंकि ये अगर याद हो गया तो ये आपको ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में देखो मांग अनुसूची बताया हमने, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे मांग अनुसूची कहते हैं। अब ये मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। तो देखिएगा बच्चों, अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहेंगे, वही चीज़ एक जैसे इसमें बोला ना वैसा का वैसा, सिर्फ इसमें क्या आएगा व्यक्तिगत, इसमें भी सारणी बनेगी। तो देखो व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसे कहते हैं, वही चीज़ एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा को जब किसके रूप में दर्शाया जाता है, तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। इसके बाद में बाजार मांग अनुसूची आ जाइएगा, वही इसकी तरह आ जाएगा, सिर्फ एक शब्द हटेगा। तो आपको बताना, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर, एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा, सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के योग को, खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के योग को जब तालिका या सारणी के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। और ये बाजार मांग अनुसूची आप आसानी से निकाल सकते हो, बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बाजार मांग अनुसूची आसानी से प्राप्त कर सकते हो और ये एक इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई बाजार मांग अनुसूची क्या है, सारणी के द्वारा या तालिका के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले बाजार मांग अनुसूची का अर्थ बताना है, फिर इसके बाद में ये तालिका बनानी है। हो सकता है ए व्यक्ति की मांग भी आ जाए, बी व्यक्ति की मांग भी आ जाए, सी व्यक्ति की मांग भी आ जाए, तो आप
को करना कुछ नहीं है, जो भी जितनी भी आए उन सबको क्या करना है, योग करना है और सारणी के रूप में उतारना है। यस, मांग अनुसूची, मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। अब ये चीज़ अगर आपको याद है तो इसके बाद में अनुसूची की जगह अब हम पढ़ेंगे वक्र। जैसे ये अब अनुसूची हट जाएगी और यहाँ लग जाएगा मांग वक्र, इधर भी क्या लग जाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी अनुसूची की जगह क्या बनेगा वक्र बनेगा, बाजार मांग वक्र। यानी अब अनुसूची मांग अनुसूची, मांग अनुसूची कितने प्रकार की, दो प्रकार की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है मांग वक्र, यानी इस मांग अनुसूची से, मांग अनुसूची कौन सी, ये मांग अनुसूची से जो वक्र बनेगा वही क्या कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा। तो इसके बाद की जो चर्चा करें, अब इसके बाद में हम बताएंगे आपको मांग अनुसूची की जगह, एक बार इसको आसानी से देख लीजिएगा आप, और जो भी अगर आपको समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा आप। इसके बाद में अगला अपना जो टॉपिक है वो है, यानी ये सारणी आपको ज्ञात होनी चाहिए क्योंकि ये सारणी अपने जब वक्र बनाएंगे उस वक्र में ये काम आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे मांग वक्र। पहले हमने क्या पढ़ा, मांग अनुसूची पढ़ी, मांग अनुसूची दो प्रकार की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब हम पढ़ेंगे मांग अनुसूची की जगह मांग वक्र, यानी अनुसूची हटाया और वक्र लगाया, तो मांग वक्र। इसी प्रकार मांग वक्र दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र। तो अब मांग वक्र पढ़ेंगे हम, मांग वक्र। तो देखो स्टूडेंट्स, मांग वक्र किसे कहेंगे, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्य। अब मांग अनुसूची कौन सी, अभी हमने बताया यही तो है मांग अनुसूची, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्य, यही तो है विभिन्न तथ्य। तो देखिएगा भाई, मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो वक्र बनता है उसे ही हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं, यानी देखो बच्चों, मांग वक्र, मांग अनुसूची, हमने मांग अनुसूची पढ़ी भाई, मांग अनुसूची दो प्रकार की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। इसी प्रकार मांग वक्र यानी अनुसूची से क्या बनेगा भाई, आपके पास में जो ये सारणी है, ये तालिका है, इन आंकड़ों से हम क्या बनाएंगे, वक्र बनाएंगे। तो जो वक्र बनेगा वही तो मांग वक्र बनेगा, लेकिन ये वक्र बनाया किससे आपने, मांग अनुसूची से, ठीक है। तो मांग वक्र किसे कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को, मांग अनुसूची यही तो है, तो हमने बताया भाई मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो वक्र बनता है उसे ही मांग वक्र कहते हैं। दोबारा बता रहे हैं बच्चों, एक तो हमने बताई मांग अनुसूची, अब बता रहे हैं भाई मांग वक्र, शॉर्ट एंड स्वीट, करना कुछ नहीं है, ये क्या है आपके सामने, ये मांग अनुसूची तो है, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो वक्र बनता है उसे ही मांग वक्र कहते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र भी प्राप्त हो जाएगा और बाजार मांग वक्र भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा मांग वक्र भाई, मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो वक्र बनता है उसे ही हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहते हैं। तो चर्चा करते हैं मांग वक्र की, और मांग वक्र बनाएंगे एक्स ओ वाई। देखो बच्चों, इसका अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व होता है, इसको बोलते हैं ओ एक्स एक्स या क्षैतिज एक्स, ओ ओ एक्स एक्स इसको बोलते हैं क्षैतिज, और यह है ओ वाई एक्स,
यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत, और ओ अक्ष अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, और इसको बोलते हैं ओ वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष। यहाँ लिखेंगे मांग मात्रा, ओ अक्ष अक्ष पे क्या लिखेंगे मांग मात्रा, और ओ वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर पर लिखेंगे कीमत। तो बराबर बराबर पार्ट बनाएंगे इसके 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। कीमत पे चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50। आपको जो गैप लेना है वो बिल्कुल समान लेना है, एक समान अंतराल में लेना है। इसका रीज़न ये है कि जब आप गैप समान रखोगे तो आपका जो वक्र है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर आपने गैप असमान तरीके से लिया है तो जो वक्र है वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आकर्षण की दृष्टि से अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने बताया भाई मांग वक्र, मांग वक्र कहेंगे किसे, हमने ये बताया कि आप मांग अनुसूची पढ़ोगे तो मांग वक्र प्राप्त होगा। मांग अनुसूची हमने बताया भाई मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्य हैं, हमने अभी पढ़ा भाई मांग अनुसूची, तो ये मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्य हैं। तो इन मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, इसको अंकित करेंगे, तो अंकित करने से जो वक्र बनेगा वही मांग वक्र कहलाएगा। तो देखो बच्चों वस्तु की कीमत कितनी है 10, तो मांगी जाने वाली मांग मात्रा कितनी है 50। तो देखो वस्तु की कीमत 10 और मांग मात्रा पे चलेंगे 50, एक गोला करेंगे हल्का सा और उस गोले को अंदर से गोला करेंगे। इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़कर 10 से 20 हुई है तो मांग मात्रा घटकर कितनी हुई है 40। तो वस्तु की कीमत 20, ओ वाई एक्स पे ऊर्ध्वाधर यानी कीमत है तो 20 पे चलेंगे 40, ये 20 पे 40। वस्तु की कीमत 30, 30 पे मांग है 30, ये 30। इसी प्रकार अगर वस्तु की कीमत बढ़कर लगातार 40 होती है, ये रही वस्तु की कीमत 40 और वस्तु की 40 पे मांग है 20, तो ये रहा वस्तु की कीमत 40 और मांग है 20, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़कर 50 हुई है तो मांग घटकर 10 हुई है, ये रही वस्तु की कीमत 50 और ये रही वस्तु की मांग। इसको अब इन जो प्राप्त हुए हैं इसको मिलाएंगे और अपने पास में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसे ही हम क्या कहेंगे मांग वक्र, और इसको डी से डिनोट करेंगे, इधर लिखेंगे मांग वक्र। दोबारा बता रहे मांग अनुसूची, मांग अनुसूची के विभिन्न तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से, यानी हमने जो ये वक्र बनाया वो किससे बनाया है, मांग अनुसूची से बनाया, तो इस मांग अनुसूची से जो वक्र बनेगा वही क्या कहलाएगा मांग वक्र कहलाएगा। तो ग्राफ पेपर पर हमने इसका मांग वक्र बनाया है, और मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक क्यों होता है इसकी चर्चा हम अगली वाली क्लास में करेंगे। थैंक्स, आपने हमारा वीडियो देखा होगा और उम्मीद नहीं आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो शिक्षा की दृष्टि से अच्छा लगा होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेलकन जो आईडी है उसको दबाएं, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास में आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।